कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड कहलाने वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी ने 26 साल बाद फिर से बॉलीवुड में अपने कमबैक का ऐलान कर दिया है। अपने दौर की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक रही मंदाकिनी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली भला किसे याद नहीं होगी। इसी फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। मंदाकिनी की वापसी का ऐलान होते ही मुंबई में हलचल मच गई है। जहां मंदाकिनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहां उन्हें देखने के लिए इतने सारे लोग उमड़ पड़े कि कम पड़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक मंदाकिनी के सामने वो सवाल आ ही गया जिसने उनके करियर को उजाड़ कर रख दिया था। दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी के कैसे संबंध रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में एक सवाल दाऊद के साथ उनके संबंधों को लेकर भी पूछा गया। मंदाकिनी सवाल पूछने वाले से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन कार्यक्रम के पीआरओ पर वो जरूर भड़क उठी। शायद पीआरओ ने इस बात को लेकर उनको भरोसा दिया था कि कोई भी उनसे दाऊद के बारे में सवाल नहीं पूछेगा। जब राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बन चुकी थी तो हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। दाऊद इब्राहिम भी उन पर फिदा हो गया था। दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ने के कारण ही मंदाकिनी का करियर ढलान की ओर बढ़ने लगा। दाऊद के साथ मंदाकिनी के अफेयर के चर्चे होने लगे। दाऊद के साथ मंदाकिनी की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन मंदाकिनी ने इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती बताया। मंदाकिनी इस बारे में कहती हैं कि इस बारे में पहले भी बात हो गई है, अब इस बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब लोग अभी भी मेरे नाम को उस घटना के साथ जोड़ते हैं तो मैं परेशान होने लगती हूँ। फिलहाल मंदाकिनी 26 साल बाद बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। अब देखते हैं कि लोग उनके और दाऊद के संबंधों को बुलाकर क्या उन्हें देखना पसंद करेंगे। इस सवाल का जवाब हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।